तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये पेडी थ्रेसर के बारे में, धान झाड़ने का थ्रेसर जो कि बहुत ही बढ़िया से धान को निकालता है। और देख सकते हैं आप कितना कच्चा से कच्चा धान रहेगा आपका, पानी वाला भी धान मल देगा। लेकिन इसमें अगर ये कंपेरिजन करें कि सूखा और कच्चा धान में कितना फास्ट और स्लो है, तो आपका कच्चा धान के मुकाबले सूखा धान को जल्दी ही निकाल देगा। क्योंकि सूखा धान जो है पूरा सूखा हुआ रहता है, तो उसमें पुआल को जो है अंदर पकड़ता नहीं है। जैसे बंडल है, बंडल अंदर डालने के बाद कच्चा में क्या होता है कि अंदर पकड़ लेता है और सूखा में नहीं पकड़ेगा। तो सूखा में वो बेहतर मालिश करेगा। और जैसे कि देख सकते हैं ये कच्चा होने के कारण थोड़ा बहुत, मतलब जिसे हम लोग टुंगड़ी बोलते हैं अपने देहाती लैंग्वेज में, ये टुंगड़ी सूखा धान में नहीं होता है, कच्चा धान में पुआल पत्थर आ जाता है। और बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो लगभग एक घंटे में 600 बंडल आराम से निकाल देता है सूखा रहेगा तो। कच्चा नहीं निकाल पाएगा, कच्चा में 250-300 बंडल ही निकाल सकता है, और सूखा रहेगा तो लगभग 600-700 बंडल आराम से निकाल देगा, जो कि तकरीबन आधा बीघा खेत का होता है धान। तो दो घंटे में लगभग एक बीघा धान मल सकते हैं, कोई भी मालिश कर सकता है एक घंटे में। क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें दो आदमी ऑप्शन दिया हुआ है, आराम से दो आदमी दो तरफ से लगा सकते हैं एक ही जगह में खड़ा हो करके। तो इसका प्राइस की बात किया जाए तो मिनिमम आपको 65-70 हज़ार के अनकरीब होता है इनका प्राइस। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उनके माध्यम से आप परचेस कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, जब चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ रात में 10 बजे के बाद नहीं करना है व्हाट्सएप, क्योंकि 10 बजे के बाद सोना पड़ता है। दिन भर काम करने के बाद कोई भी आदमी थक जाता है, तो इसी की वजह से। और इसमें आपको कॉल करने का तो बता दिए, लेकिन इसमें जो इंजन का बात किया जाए तो R175 होंडा इंजन लगता है। सीडी ओरिजिनल लगा दीजिए या फिर भारत लगा दीजिए, महिंद्रा का आता है, बहुत सारा आता है, स्वराज का आता है, छोटा छोटा इंजन वो भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर बड़ा इंजन लगाएंगे तो उसका सेटिंग अलग होता है, उसका बनाने में ही उसका सेटिंग अलग करना पड़ेगा। और इसका कैपेसिटी की बात किया जाए तो कैपेसिटी तो आपको बता दिया मैं, क्योंकि धान बहुत फड़े, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अंकल जी निकाल रहे हैं धान को, ठीक है, थोड़ा बहुत पुआल सब उड़ के हवा के वजह से पुआल उड़ रहा है, और देख सकते हैं एक अंकल उठा के दे रहे हैं और हम ही हैं लगा रहे हैं धान को, अच्छा खासा निकल रहा है। और बात इंजन की किया जाए तो इंजन R175 है। प्राइस की बात किया जाए तो अगले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा बढ़ जाएगा प्राइस, जो कि 16-17 हज़ार के अनकरीब पड़ेगा पूरा सेट लेकर के। सिर्फ इंजन कुछ कम हो सकता है इंजन में, ठीक है, तो आप आराम से परचेस कर सकते हैं। बात किया जाए इसका सीजन में कितना कैपेसिटी, इस सीजन में कितना माल निकाल लेंगे, तो अनकरीब 1 लाख के अनकरीब निकाल सकते हैं, 1 लाख के लगभग, 1 लाख रुपया का धान आराम से बेच सकते हैं, फिर घर में खाने के लिए रख सकते हैं। तो अच्छा खासा बेनिफिट है, क्योंकि हम भी 3-4 वर्ष से चला रहे हैं और हम लोग थ्रेसर बना भी रहे हैं मधु मार्केट में, हुसैन स्टील वर्क शॉप से नाम होगा मधु हाट में, तो आप आइए वहाँ पे देखिए। और फ़ोन पे ऑर्डर मत कीजिए, ठीक है, फ़ोन पे बात कर लीजिए, थोड़ा बहुत समझ लीजिए वो अलग बेटर है, ठीक है, लेकिन आप एड्रेस पे आकर के अगर ऑर्डर करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और फ़ोन पे किसी को पैसा वैसा नहीं भेजना है, क्योंकि अभी फ्रॉड का ज़माना है बहुत सारा, तो ऐसा नहीं करना है आप लोग को, पैसा बहुत मेहनत का आता है, तो आप फ़ोन पे बात करके उसका जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ़ोन पे आपको ऑर्डर नहीं करना, फ़ोन पे में ऑर्डर इसलिए नहीं करना है क्योंकि अभी फ्रॉड का ज़माना है, पैसा हर किसी का मेहनत का आता है, तो फ़ोन पे में ऑर्डर किसी को भी नहीं देना है, पैसा वैसा नहीं देना है। और आप यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए, चार दुकान है, चार दुकान में देखिए, ट्राई मारिए, मधु हाट आइए, लेकिन ज़रूर आइए। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आपको
अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।